नमस्कार, मैं मेघा पंत। आप सभी का स्वागत है हमारे डॉक्टर टॉक में। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है स्नेक बाइट। जैसा कि हम जानते हैं या हमने पढ़ा है इसके बारे में कि हर साल इंडिया में 60,000 से ज़्यादा लोगों को स्नेक बाइट की प्रॉब्लम, स्नेक बाइट होता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलील मलिक सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एमरजेंसी इन फेलिक्स हॉस्पिटल। तो सर, जैसा आज हमारा टॉपिक है स्नेक बाइट, तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी, जैसा हम पढ़ते हैं 60,000 केसेस और ये, तो इंडिया में कितने इंसिडेंसेस के होते हैं? तो मेगा, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा इस चीज़ में। आपको आश्चर्य होएगा कि भी पूरे विश्व में लगभग 50 से 60 लाख केसेस रहते हैं और इसका 1/4 केसेस जो रहते हैं, लगभग 20 लाख केसेस स्नेक बाइट के हिंदुस्तान में ही होते हैं। और उन 20 लाख केसेस में लगभग हर साल 60,000 लोगों की मृत्यु स्नेक बाइट से होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ सांप के काटने से रहती है, और इनमें 1/4 जो होते हैं वो लगभग बच्चों की डेथ्स होती है जो 15 साल से छोटे रहते हैं। तो सर, जैसे भी आपने बताया कि बच्चों की इसमें डेथ ज्यादा होती है, तो इसका कोई कारण कि बच्चों का मतलब? हाँ, क्योंकि बच्चे, ये जो स्नेक बाइट्स होती है, काफी बार ऐसी जगह स्नेक्स रहते हैं जहाँ पे ओपन मैदान नहीं होता है, कुछ घास या कुछ ऐसे क्लोज कॉर्नर्स, छोटे छोटे केव्स या उनके जो गड्ढे बने होते हैं, तो बच्चे काफी बार खेलते समय उधर हाथ डाल देते हैं, घूमते रहते हैं या नंगे पैर घूमते रहते हैं, या काफी बार फार्म्स में वो फील्ड्स में घूमते रहते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि कैसे करना है, तो वहाँ इसीलिए इस बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। बहुत अच्छी बात बताइए सर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं जब स्नेक बाइट होता है? तो स्नेक बाइट जब भी होता है तो ऑब्वियसली जहाँ पे काटा है वहाँ पे दर्द और सूजन होने के तो काफ़ी संभावना रहती है। वहीं पे ही जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन और सूजन बढ़ती है तो जो अंग है वो इमोबाइल हो सकता है और साथ में उधर नीला पड़ सकता है। जो स्नेक बाइट होते हैं वो दो तरीके की प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, या तो वो नर्व्स को, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं उसमें, और वो नर्व्स को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, और जैसी ब्रेन को इफेक्ट करता है तो पूरे शरीर में दिक्कत आ जाती है, मूवमेंट की दिक्कत आ जाती है, सुनपना हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशंस, सुइया चुभने लग जाती है, जिस तरीके से पेन बहुत तेज हो जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में हमारी सांस की प्रक्रिया पे भी असर हो जाता है और इंसान फाइनली सांस खो देता है। वहीं पे दूसरी तरीके की कॉम्प्लिकेशन जो देखी जाती है वो होती है हिमरेजिक, बेसिकली खून बहने लग जाता है और खून पतला हो जाता है और खून में क्या बोलते हैं, क्लॉट्स नहीं बनते हैं, तो खून बहता ही रहता है। और ये सिर्फ जो स्नेक बाइट की साइट है वहाँ पे ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपके अब्डोमेन के अंदर, स्किन के नीचे लाली आने लग जाती है कि वेसल्स फटने लग जाते हैं और खून बहने लग जाता है सबक्यूटेनियसली स्किन के नीचे। सर, हम कैसे प्रिवेंट करें स्नेक बाइट से अपने? तो बेसिकली स्नेक बाइट्स हम ऐसी जगहों में ना जाए, शाम के वक्त ना जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्नेक्स इवनिंग में बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो हीट सेंसिटिव रहते हैं, तो वो सूरज के समय में छुपे रहते हैं, यूजली शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग में रहते हैं। जब भी हम ऐसे उसमें जाए, तो शहरों में जैसे हम जा रहे हैं तो घास में चलना अच्छा लगता है, तो हम प्रिवेंट करें कि भी अगर थोड़ी लंबी घास है तो हम उधर ना जाए, बच्चों को ऐसी जगह ना खेलने दें। काफ़ी बार फार्म्स में और विलेजेस में जब पानी होता है, जब हम राइस की जो होती है फसलें उगती है तो उधर पानी रहता है काफ़ी, तो पानी वाली जगह के अंदर ना जाए, जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे चूहे या छोटे हैमस्टर्स और स्क्विरल्स मिलती है, क्योंकि वो स्नेक्स के लिए खाने का सोर्स होता है, तो उस जगह पे कोल्ड एरिया में, डार्क एरिया में ना ऐसे करके घूमें, और बच्चों का भी ध्यान रखें कि वो कहाँ पे खेल रहे हैं। वहीं पे मैं एक प्रिवेंशन की और चीज़ बताऊंगा, अगर स्नेक बाइट हो जाए
तब भी हम कई चीजें कर सकते हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर हाथों में या बाजू में कहीं काटा है तो उधर सूजन होने की अगले कुछ एक आधे एक घंटे में काफी चांसेस होते हैं, तो अगर कुछ हमने कंस्ट्रिक्टिंग बैंगल्स या रिंग्स पहन रखे हैं तो हमें वो एकदम से उतार लेने चाहिए, क्योंकि बहुत चांसेस है आगे रिंग्स और वो लाली नीला पड़ जाए और सूजन पड़ जाए। वहीं पर ही हमें ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हमें इमीडिएटली आगे ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए उस एरिया को दबा के रखना चाहिए, प्रेशर बैंडेज करना चाहिए जिससे खून जितना हो सके रुक जाए या और स्प्रेड बाहर ना निकले। सर, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सारे स्नेक बाइट जितने भी टाइप्स के होते हैं वो सारे लाइफ थ्रेटनिंग है? नहीं, हाँ, तो ये एक अंधविश्वास है। इन रियलिटी बहुत ही कम स्नेक्स होते हैं जो वेनमस होते हैं। सिर्फ 20% स्नेक्स जो होते हैं, लगभग 600 स्पीशीज होती है ऐसी जिनमें एक्चुअली वेनम होता है, जो विष होता है, और उसमें से भी सिर्फ टोटल मिला के 7% स्नेक ऐसे होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो इंसान को मार सके। तो एक्चुअली में बहुत कम होते हैं, और ये बड़े 4 केसेस स्नेक्स होते हैं जो इंडिया में करते हैं, वो होते हैं नामी, क्रेट, कोबरा, रसल वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर, जिनका चांसेस होता है कि वो इंसान को तुरंत ही मार सकते हैं कुछ ही मिनट और घंटों के अंदर। अब सर मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए हमने ये रखा है लाइव, इंडिया में बहुत शहरों में भी लोगों के मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं, गांव में तो होते ही हैं, शहरों में भी बहुत लोगों के मिथ होते हैं कि घर में इलाज कर दिया या किसी बाबा के पास ले गए मरीज को, तो इसमें आप क्या एक बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि भी हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे हमें ये भी जानने की जरूरत है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर स्नेक बाइट। सो आई थिंक सो बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हुए हैं इससे। सबसे पहला वाला है कि कभी भी स्नेक बाइट होए तो हम उसको जोर की टाइट एक डोरी से, बेल्ट से, टॉर्निकेट से, हम कंस्ट्रिक्टिंग बैंड से उसको बांध देते हैं कि भी शायद हम जो विष है उसका मूवमेंट रोक सके। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे सुपरफिशियली जो एरिया होता है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जो विष है, वेनम है, वो तो इंटरनल वेसल से ट्रैवल करता है, तो वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, और हमारी बॉडी में जो खून का रोटेशन रहती है वो हर 3 मिनट में पूरा खून सारी बॉडी में रोटेट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ 1 मिनट भी अगर हम डिले करते तो कुछ उसका एक्चुअली में कोई फायदा नहीं होता। तो सेकेंड चीज, काफी बार लोग उधर ब्लेड से या चाकू से कट्स मारते हैं कि ये सोच के कि भी जो वेनम है वो बाहर गिर जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ही गलत चीज है। इनफैक्ट आप उसको और गड़बड़ कर रहे हो कि आप और वेसल्स को तोड़ रहे हो जिससे जो विष आजू बाजू लगा हुआ है वो निकल के चले जाए। आपको याद रखना है कि जो डंग होता है वो इतना पॉइजनस होता है, जैसे कोबरा के एक डंग में 20 लोगों को मारने की क्षमता होती है, तो जस्ट इमेजिन उसका जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स है उसमें भी इतना है कि वो सारा फैल जाए। और जब हम कट्स इंक्रीज करते हैं तो हम जो वेनम है वो जल्दी ट्रैवल करता है। आई थिंक सो ये सब लोग सच्चाई में जानते हैं कि जो हिंदी मूवीज में दिखाते हैं कि भी खून को चूस के मुंह से फेंक दो तो वेनम हट जाता है, तो इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। और जो इंसान है उसे तो दिक्कत होगी, बट किसी इंसान ने अपने लिप्स पे भी अगर वो चीज टच करी है और कोई ब्रेकेज नहीं हुई है स्किन की, तब भी लिप्स से, म्यूकोजा से भी वेनम अब्सॉर्ब किया जाता है, और वो इंसान अगर कोई ऐसा ट्राई करे तो उसके भी डेथ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। वहीं पे ही काफी लोग क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में उधर गर्माहट सेक देते हैं या ठंडी से एक आइस देते हैं या फिर यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं उस एरिया का, तो वो बिल्कुल भी कोई फायदेमंद नहीं रहता है। और गांव में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी इग्नोरेंस रहती है इस चीज़ को लेकर, और वो झाड़ फूक के जगहें भी ढूंढते हैं जाने के लिए कि उतारने के लिए, माता उतारने के लिए, ऐसे बात चलती है। तो ये सच्चाई है और इसमें बिल्कुल भी गलत, ये चीज़ सारी गलत है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मिथ है, एक अंधविश्वास है। सर अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कैसे?
तो स्नेक बाइट में आप जो सबसे पहले फर्स्ट एड कर सकते हैं कि वो एरिया को जितना हो सके तो साबुन से क्लियर करे, क्लीन करे, और जो भी कपड़े हैं उस तरफ के उनको निकाल दे, आप वो फेंक दे, है ना। दूसरा, स्नेक को कभी भी पकड़ने की कोशिश ना करें, अगर फोटो मिल सकते हैं तो तब ठीक है, बट फिर भी हम उसके लिए भी ट्रीटमेंट पूरा करते हैं। तो आप स्नेक के पीछे दौड़ के टाइम ना वेस्ट करें। इमीडिएटली कोई अगर कंस्ट्रिक्टिंग बैंड्स है या कुछ ऐसी डोरी बांध रखी है, कोई कड़ा पहन रखा है, तो उस चीज को उसी समय हटा दें, जिससे बाद में वो हटाने में बहुत दिक्कत आती है। तीसरी चीज ये है कि हमें अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर प्रेशर करके प्रेशर बैंडेज कर दे। चौथी चीज, इसको इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब जगह लेकर जाए। जितनी भी अच्छी एमरजेंसीज होती हैं उनको मैंडेट होता है कि वो एंटी स्नेक वेनम ASV को अपने स्टॉक में रखे और अच्छे स्टॉक में रखे। और ये एंटी स्नेक वेनम एक्चुअली विश्व के जो सबसे डेडली 5 स्नेक्स होते हैं उन सबसे मिलकर कॉकटेल बना होता है, तो ये सब पे वही चीज करती है। और हम तुरंत ही 5 से 10 वाइल पेशेंट को चढ़ानी होती है। ये वेनम थोड़ा सा महंगा होता है, काफी कम बार यूज होता है जो एंटी स्नेक वेनम रहता है, और मगर फिर भी अच्छी इमरजेंसीज में मैंडेटेड होता है। और हमारे भी इमरजेंसी में हम इसका स्टॉक पूरा रखते हैं, चाहे कभी वेस्ट भी हो जाए मगर हम उसका हमेशा स्टॉक कायम रखते हैं। तो मेन एम है कि पेशेंट को जल्द से जल्द PHC में, डिस्पेंसरी के उसमें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके एंटी स्नेक वेनम मिले। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने, सर ने हमें कितने अच्छे से और कितने इजीली हमें बताया स्नेक बाइट से हमें कैसे बचना चाहिए, और अगर हम हॉस्पिटल जाएं तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इसका क्या है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी और क्वेरीज होती हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम खुद आपको कॉल करके आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।